यहाँ पे प्राइजेस हैं 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक में जूते एक से एक मिल जा रहे हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है कुछ अनोखी, जिसमें हम 500 रुपये में, मतलब कि 500 रुपये पूरा दिन काटने वाले हैं, और भी चांदनी चौक पे। और जो जो करने वाले हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं हम लाल किला के अंदर, और फिर लाल किला के अंदर विजिट करते हैं, फिर उसके अंदर की वीडियो अलग सेपरेट होगी। बट मैं इसमें भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि टिकट कितने की और क्या क्या प्राइस लगता है और अंदर क्या क्या है। और मार्केट में भी जाना है, मार्केट में से फिर जो पैसे बचेंगे उसकी शॉपिंग करेंगे, और 500 रुपये में ही सारा काम चलाना है, अपने को घर भी जाना है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, और कम पड़ता है तो फिर देखते हैं। तो 500 रुपये में से 20 रुपये खर्च हो गए, ये लिया अभी, तो बचे 480 रुपये। तो चलते हैं अभी टिकट का, देखते हैं क्या है। एंट्री गेट बहुत दूर है यार, लेकिन यहाँ से एक किलोमीटर के आसपास में है। 500 में से 100 रुपये अभी खर्च हो गए, दो टिकट ले लिया हमने। 500 रुपये में से पहला अभी हम ले रहे हैं छोले भटूरे, जो आपको 30 रुपये का है फुल प्लेट। तो बाकी देखते हैं, छोले भटूरे के बाद अगर ठीक लगता है तो एक प्लेट और ले लेंगे, या फिर और कुछ खाने का मन करेगा, कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए, तो छोले भटूरे लेते हैं। छोले कुछ ज़्यादा छोले हैं नहीं इसमें, बस क्या करें। तो यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस में आपको जूतों से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मैंने सोचा कि लास्ट पेमेंट मैं यहाँ पे करूँगा, कि मैं जूते ही शूज़ ख़रीद लेता हूँ, तो 250 रुपये की जो पेमेंट बची है मैं जूते ख़रीद लेता हूँ। तो मैं अभी चॉइस कर लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ शॉप पर चलते हैं, विज़िट करते हैं, और शॉप से अगर पसंद आते हैं जूते तो फिर लेंगे, और नहीं आएँगे तो फिर बात ही अलग है, और फिर चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस हैं 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक में जूते एक से एक मिल जा रहे हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया, मतलब कॉपी है बट फिर भी ठीक है। मतलब आपको जो मार्केट में 500 रुपये के जूते मिलते हैं वो उससे तो बेटर है कि यहाँ पे आप 250 रुपये 350 रुपये दे के आप वही जूते ले सकते हो। तो इसलिए मैंने चॉइस किया कि चलो यहाँ से जूते ले लेते हैं, और बाकी अगर कपड़ा लेना हो तो टी शर्ट वगैरह तो ठीक ठाक मिल जाती है 150-250 रुपये में, जो 150 रुपये में मिल जाती है, 250 रुपये 300 रुपये वाली जो यहाँ पे मिलती है अपने को मार्केट में, तो 150 रुपये के आसपास में मिल जाता है, तो ठीक ही है। और सपोज़ दैट, तो अभी तो मैं जूतों की मार्केट में आया हूँ और यहाँ से जूते ख़रीदते हैं, अगर पसंद आता है तो लेते हैं। और मौसम बहुत ख़राब हो रखा है अभी, और मौसम का भी पंगा है, तो अभी देखते हैं कि मार्केट कितनी देर तक रहती है अभी, क्योंकि मौसम के चक्कर में लोग पैकिंग करके अपना अपना निकल रहे हैं। अगर मौसम ख़राब हो जाएगा तो घर चलेंगे, या फिर जो मिशन है अपना मिशन कंप्लीट करेंगे, 500 रुपये खर्च करेंगे। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करें। तो गाइस अभी आंधी तूफान उड़ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट बंद हो रहा है जैसा कि आप दिखा सकते हैं। तो गाइस मिशन फेल हो गया, 500 रुपये का अभी हमने खर्च किए हैं, अबाउट 250 के अराउंड में, 250 रुपये के अराउंड में खर्च किए हैं, बचे हैं 250 रुपये। और मौसम ख़राब हो गया है, और बारिश आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कभी, और ये वाला टारगेट कंप्लीट करते हैं कहीं और कहीं और लोकेशन पे। वो आप लोग कमेंट में बताना कहाँ पे बनाऊँ, और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना, और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सी हो गया, बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, और कोई भरोसा नहीं है कब कितनी तेज़ बारिश आ जाए, तो अभी घर पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं बारिश स्टार्ट भी हो गई, जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो गया आखिर। ये है चांदनी चौक की बारिश, जो है मस्त झकास। बारिश होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे रोका जाता है। कृपया अब अगली वीडियो में मिलते हैं।